Everyone, welcome to EPF Academy. We are discussing about the index properties of soil. In the last video, we have discussed about the consistency of soil. In this video, we will discuss about the remaining index properties and some important numericals. Next index property, हमारी जो है वो है sensitivity of soil. इसको ST से denote करते हैं. Sensitivity of soil is equal to होता है unconfined compressive strength of undisturbed soil specimen divided by unconfined compressive strength of remolded soil specimen. Undisturbed और remolded का मतलब क्या होता है? अनडिस्टर्ब और रिमोल्डेड का मतलब होता है कि सपोज करो ये हमारा किसी सॉयल का एक ढेर है, ठीक, और ये अनडिस्टर्ब स्टेट में है. मींस इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. और हम क्या करते हैं, इसमें से सॉयल का कुछ पोर्शन डिग करके किसी लैब में टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं. सॉयल की मिट्टी है उसकी खुदाई करके कुछ पोर्शन हम लैब में टेस्टिंग करने के लिए जाते हैं और इसमें फिल कर देते हैं. तो क्या हुआ कि जो अनडिस्टर्ब स्टेट में हमारी सॉयल थी उसको जब खुदाई करके ले गए हम लैब में टेस्टिंग करने के लिए तो ये क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गई. और जो ये स्टेट होगी वही हमारी रिमोल्डेड सॉयल होगी. जब हम अनडिस्टर्ब स्टेट से सॉयल की खुदाई करेंगे तो क्या होगा, उसकी कंसिस्टेंसी में चेंजेज आएंगे. कंसिस्टेंसी उसकी चेंज होगी. और जब कंसिस्टेंसी चेंज होगी तो क्या होगा, अनडिस्टर्ब से डिस्टर्ब किए सॉयल तो क्या होगा, उसकी फर्मनेस भी डिक्रीज होगी. फर्मनेस डिक्रीज होगी उसके साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी. तो जो अनडिस्टर्ब हमारी सॉयल है और ये रिमोल्डेड सॉयल है, इन दोनों के स्ट्रेंथ का ही रेशियो जो होता है हमारा सेंसिटिविटी कहलाता है. अनकन्फाइंड का मतलब क्या हुआ कि यहां जो सॉयल स्पेसिमेन लिया जा रहा है वो हमारा अनकन्फाइंड स्टेट में लिया गया है. सेंसिटिविटी जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, लॉस इन स्ट्रेंथ. जो सॉयल है उसके लॉस स्ट्रेंथ के लॉस होने के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा सेंसिटिविटी. जितना ज्यादा हमारा सॉयल सेंसिटिव होगा मींस उसके स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा कम होगी, उसमें स्ट्रेंथ लॉस करने की प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी. तो इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, लेस सेंसिटिव सॉयल का यूज करते हैं. सेंसिटिविटी से रिलेटेड कुछ फिक्स वैल्यू हैं जो हमें याद रखने हैं. हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक साइड सेंसिटिविटी लिखेंगे और दूसरे साइड सॉयल का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे. अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू 1 होता है तो हमारा सॉयल इनसेंसिटिव सॉयल होगा. क्यों? क्योंकि जो अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ है अनडिस्टर्ब सॉयल का और उसके अलावा रिमोल्डेड सॉयल, दोनों का इक्वल हो जाएगा स्ट्रेंथ, इसलिए वो हो जाएगा हमारा इनसेंसिटिव सॉयल. और अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू 2 to 4 के बीच में वेरी करती है तो नॉर्मल और लेस सेंसिटिव सॉयल होता है, और अगर 4 to 8 के बीच में होता है सेंसिटिव सॉयल होगा, और 8 to 16 होगा तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव सॉयल होगा, और मोर देन 16 अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू होगा तो अनस्टेबल या हमारा क्विक सॉयल होगा. नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी है थिक्सोट्रॉपी. थिक्सोट्रॉपी क्या होता है, जब सॉयल को हम डिस्टर्ब करते हैं अनडिस्टर्ब स्टेट से तो उसका स्ट्रेंथ में डिक्रीमेंट होता है. लेकिन कुछ टाइम के लिए अगर हम सॉयल को छोड़ देते हैं, यहाँ से सॉयल की खुदाई किए, डिस्टर्ब किए और किसी प्लेस पर प्लेस कर दिए हम, तो क्या होगा, कुछ टाइम इंक्रीज करने के बाद जितना स्ट्रेंथ लॉस हुआ होगा उसमें से कुछ स्ट्रेंथ ये गेन करने की कोशिश करता है. मीन्स कुछ स्ट्रेंथ इसमें गेन होता है और जिस प्रॉपर्टी के कारण वो
अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ का कुछ पार्ट गेन कर लेता है, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। तो थिक्सोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉयल बाय व्हिच सॉयल रिगेन्स ए पार्ट ऑफ इट्स लॉस्ट स्ट्रेंथ, यही हमारा थिक्सोट्रॉपी होता है। नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी जो हमारा होता है उसको एसी से डिनोट करते हैं। स्केम्प्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सॉयल की कंप्रेसिबिलिटी को एनालाइज करने के लिए विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन वाटर कंटेंट एक पैरामीटर दिया, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी इज इक्वल टू होता है एसी इज इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले, मींस पार्टिकल हैविंग साइज लेस देन 2 माइक्रॉन। अगर एक्टिविटी की वैल्यू, एक हम टेबल बना लेते हैं, यहाँ एक्टिविटी लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन। एक्टिविटी की वैल्यू 0.75 से लेस देन है तो जो हमारा सॉयल होगा इनएक्टिव होगा, और अगर एक्टिविटी की वैल्यू 0.75 से 1.25 के बीच में वेरी करती है तो नॉर्मल होगा सॉयल, और अगर एक्टिविटी की वैल्यू मोर देन 1.25 होगा तो एक्टिव सॉयल होगा। एक्टिविटी हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स पर डिपेंड करता है, और जो प्लास्टिसिटी होता है वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ मिनरल प्रेजेंट इन द सॉयल एंड अमाउंट ऑफ मिनरल। उसके साथ साथ अमाउंट ऑफ वाटर, प्रेजेंट इन द एडजॉइंट लेयर ऑफ सॉयल सॉलिड। प्लास्टिसिटी मिनरल्स पर डिपेंड करता है जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, कौन किस टाइप के मिनरल प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसके साथ साथ कितने अमाउंट में वाटर उसके एडजॉर्ब लेयर में प्रेजेंट है। प्लास्टिसिटी मिनरल्स पर डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप्स के मिनरल होते हैं, वो मिनरल कौन कौन से होते हैं उसके रेस्पेक्ट में एक्टिविटी की वैल्यू कैसे वेरी करते हैं उसकी एक हम टेबल बनाते हैं। एक साइड लिखेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल, टेबल में इस साइड टाइप्स ऑफ मिनरल हैं और इधर एक्टिविटी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल की लिस्टिंग कर दी गई है। कैलोनाइट के लिए एक्टिविटी की वैल्यू 0.2 से 0.4 के बीच में वेरी करती है। इलाइट अगर हमारा मिनरल्स होगा तो 0.5 से 1.0। मोंटीमोरिलोनाइट के लिए 1 to 7 के बीच में वैल्यू वेरी करेगी, और अगर मोंटीमोरिलोनाइट में सोडियम मोंटीमोरिलोनाइट होगा तो वैल्यू 4 to 7 के बीच में होगी, और अगर कैल्शियम मोंटीमोरिलोनाइट होगा तो वैल्यू 1.5 होगी। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स के नेम याद करके हमें रखने हैं। इनके बारे में डिटेल में हम जब हम क्ले मिनरोलॉजी पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल हमें मिनरल्स के नेम याद रखने हैं और उसके रेस्पेक्ट में एक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है यही याद रखना, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। यहां पर हम देखें तो मोंटीमोरिलोनाइट के लिए वैल्यू जो है एक्टिविटी की सबसे ज्यादा है, 1 to 7 के बीच में है। मींस 1 to 7 का मतलब क्या हो गया कि ये जो सॉयल है हमारा हाईली एक्टिव है। जब सॉयल हाईली एक्टिव होगी तो मींस जो सॉयल होगी उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। इस टाइप की सॉयल का यूज हम लिख सकते हैं कि हाईली एक्टिव सॉयल आर नॉट सुटेबल फॉर
हाईली एक्टिव सॉयल आर नॉट सुटेबल फॉर इंजीनियरिंग वर्क्स। इसका अगर एग्जाम्पल देना है कौन से सॉयल है, तो ये सॉयल होगी ब्लैक कॉटन सॉयल। एग्जाम्पल लिख देते हैं ब्लैक कॉटन सॉयल। नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी है कोलेप्सिबिलिटी। कोलेप्सिबिलिटी को हम यहां समझते हैं। कोलेप्सिबिलिटी जो हमारा होता है, इसको समझने के लिए सपोज करो एक ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे सॉयल है, इसके ऊपर कोई एक स्ट्रक्चर है जिसका लोड आ रहा है, कुछ भी लोड आ रहा है। हम क्या किए, इस सॉयल पर वाटर कंटेंट को इंक्रीज करना स्टार्ट किए। लोड जो है जिसके उस लोड के थ्रू जो प्रेशर आ रहा है उसको हम कांस्टेंट बनाए रखे हैं, वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं, और जो सॉयल है अगर उसके वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो रहा है, इस टाइप के सॉयल को हम बोलते हैं कोलेप्सिबल सॉयल। मीन्स अगर डिफाइन करें, द सॉयल व्हिच शोज लार्ज डिक्रीमेंट और लार्ज डिक्रीज इन वॉल्यूम विद इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट विदाउट एनी इंक्रीज इन द प्रेशर इज कॉल्ड कोलेप्सिबल सॉयल। कोलेप्सिबल सॉयल का जो एग्जाम्पल है एक लोएस्ट सॉयल। लोएस्ट सॉयल क्या होता है, हम इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, ये विंड ट्रांसपोर्टेड सॉयल होता है। विंड ट्रांसपोर्टेड सॉयल एंड सिल्ट डिपोजिटेड होता है। सिल्ट डिपोजिटेड सॉयल लो डेंसिटी वाली सॉयल होती है और इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है जो वो ज्यादा होती है। कोलेप्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए एक पैरामीटर का यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं कोलेप्स पोटेंशियल। CP कोलेप्स पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। CP इज इक्वल टू, इसको डेल्टा V से हम डिनोट कर देते हैं, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। मींस जितना ज्यादा कोलेप्स पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा सॉयल के वॉल्यूम में चेंजिंग होगी। तो मींस हम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो सॉयल यूज करेंगे उसके लिए कोलेप्स पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये थी हमारे इंडेक्स प्रॉपर्टीज। अब आगे हम डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू इंडेक्स प्रॉपर्टीज सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इस सॉयल इज कंपोज्ड ऑफ सॉलिड स्फेरिकल ग्रेन्स ऑफ आइडेंटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डायमीटर बिटवीन 0.075 mm एंड 0.0075 mm। इफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ लार्जेस्ट पार्टिकल फॉलिंग थ्रू वाटर विदाउट फ्लोकुलेशन इज 0.5 mm/s, देन फॉर स्मॉलेस्ट पार्टिकल टर्मिनल वेलोसिटी वुड बी व्हाट। जो ये क्वेश्चन है ये गेट 2011 में आया है, 1 mark का। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन क्या क्या है, सॉयल इज कंपोज्ड ऑफ स्फेरिकल ग्रेन ऑफ आइडेंटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी आइडेंटिकल है, डायमीटर बिटवीन 0.075 एंड 0.0075 mm। नोट कर लेते हैं, मींस D1 गिवन है 0.075 mm एंड D2 0.0075 mm। इफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ लार्जेस्ट पार्टिकल फॉलिंग थ्रू वाटर विदाउट फ्लोकुलेशन इज 0.5 mm/s, लार्जेस्ट पार्टिकल हमारा कौन सा है, D1 है, मीन्स इसके रेस्पेक्ट में V1 इज इक्वल टू गिवन है 0.5 mm/s, देन फॉर स्मॉलेस्ट पार्टिकल टर्मिनल वेलोसिटी वुड बी व्हाट। मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मतलब V2 का हमें वैल्यू फाइंड करना है। पार्टिकल साइज से हमें क्लियर है यहाँ पर स्टोक्स लॉ जो है वैलिड होगा।
स्टोक्स लॉ के जो वेलोसिटी हमें पता है v इक्वल टू होता है गामा w g माइनस वन डी स्क्वायर डिवाइड बाई 18 म्यू। एज पर क्वेश्चन स्पेसिफिक ग्रेविटी आइडेंटिकल है, म्यू भी कांस्टेंट है, इस गामा w कांस्टेंट है। यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि v जो हमारा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के, तो मींस यहां पर लिख सकते हैं वी वन डिवाइड बाई वी टू इज इक्वल टू डी वन डिवाइड बाई डी टू का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, डी वन और डी टू की वैल्यू पुट करेंगे और वी वन की वैल्यू पुट करेंगे और हमें वी टू की वैल्यू पता चल जाएगी। वैल्यू हम पुट करते हैं, वी वन की वैल्यू हमारे है 0.5 एंड वी टू की वैल्यू हमें फाइंड करना है। डी वन की वैल्यू गिवन है 0.075 एंड डी टू की वैल्यू गिवन है 0.0075, इसका स्क्वायर किए 0.5 डिवाइड बाई वी टू इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। हमें वी टू की वैल्यू पता चल गई 0.5 डिवाइड बाई 100 मीन्स वी टू इज इक्वल टू 0.005 mm पर सेकेंड। इसी को हमें फाइंड करना था, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं, द लेबोरेटरी टेस्ट ऑन द सॉयल सैंपल यील्ड द फॉलोइंग रिजल्ट्स। नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 18%, लिक्विड लिमिट 60%, प्लास्टिक लिमिट 25%, परसेंटेज ऑफ क्ले साइज फ्रैक्शन 25%। फाइंड द लिक्विडिटी इंडेक्स मीन्स IL एंड एक्टिविटी ऑफ द सॉयल मीन्स AC रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा में लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करने पर हमें जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट मिल रहा है नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 18% मीन्स W इज इक्वल टू 18%, लिक्विड लिमिट 60%, प्लास्टिक लिमिट 25%, WP 25% एंड परसेंटेज ऑफ क्ले साइज फ्रैक्शन मीन्स परसेंटेज C इज इक्वल टू 25% गिवन है। लिक्विडिटी इंडेक्स हमें फाइंड करना है। फर्स्टली लिक्विडिटी इंडेक्स IL इज इक्वल टू होता है, हमें पता है नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाई लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, 18 माइनस 25, 60 माइनस 25 प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू पुट की है इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू 0.2 माइनस का 0.2। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें वैल्यू फाइंड करना है एक्टिविटी ऑफ द सॉयल आइस AC। एक्टिविटी ऑफ द सॉयल इज इक्वल टू होता है, हमें पता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाई परसेंटेज सी परसेंटेज ऑफ क्ले। IP की वैल्यू मीन्स लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ क्ले। लिक्विड लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ 60 गिवन है माइनस प्लास्टिक लिमिट 25 डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ क्ले गिवन है 25%। कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को, क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए श्रिंकेज लिमिट टेस्ट द वॉल्यूम एंड मास ऑफ ए ड्राई सॉयल पैड आर फाउंड टू बी 50 सेंटीमीटर क्यूब एंड 88 ग्राम रिस्पेक्टिवली। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉयल सॉलिड इज 2.71 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द श्रिंकेज लिमिट इज व्हाट, हमें फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन जो है गेट में आया हुआ है,
गेट 2018 में 1 मार्क्स में आया है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन गेट 2017 में 2 मार्क्स में आया था। इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा में द वॉल्यूम एंड मास ऑफ ड्राई सॉइल, बट वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल वी एस या वी डी से यहाँ हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, वी डी इज इक्वल टू 50 cm³ एंड मास ऑफ ड्राई सॉइल पर 88 ग्राम। द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवेन, जी इज इक्वल टू 2.71 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 g/cm³। डेंसिटी ऑफ वाटर मीन्स रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 g/cm³। श्रिंकेज लिमिट हमें फाइंड करना है। श्रिंकेज लिमिट का हमें फार्मूला पता है, श्रिंकेज लिमिट डब्ल्यू एस इज इक्वल टू होता है 1/r - 1/g, जहाँ पर r होता है श्रिंकेज रेशियो। r का हमें फार्मूला पता है, r इक्वल टू होता है गामा डी डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू, जिसको इक्वेट करके लिख सकते हैं रो डी डिवाइड बाई रो डब्ल्यू रो डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है 1 g/cm³ है। रो डी की वैल्यू फाइंड करना है। रो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है रो डी इज इक्वल टू होता है एम डी डिवाइड बाई वी डी, वैल्यू पुट करेंगे, एम डी की वैल्यू है 88 g/cm³, वी डी की वैल्यू है 50 cm³। वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 88 / 50 1.76 g/cm³। अब R की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, इसकी वैल्यू 1.76 डिवाइड बाई रो W की वैल्यू 1.76 हमें वैल्यू श्रिंकेज रेशियो की ऑप्टेन हो गई। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेंगे, 1 / 1.76 - 1 / g की वैल्यू 2.71 वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यू मिलती है 0.1991 और यही हमारे श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू होगी। आज क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज क्लास में हमने डिस्कस किया अबाउट सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रॉपी, एक्टिविटी, कोलैप्सिबिलिटी और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में। आई होप सभी को आज क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।